सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक हेल्दी म्यूसली रेसिपी जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में और स्नैक्स मील में भी कंज्यूम कर सकते हो। सो दोस्तों, म्यूसली एक हाई फाइबर मील होता है और जिसको हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि दोस्तों इसमें हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसको डायरेक्टली दूध के साथ, दही के साथ या फिर प्रोटीन के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको प्रिपेयर करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे फ्लैक्स सीड जो कि मैंने 150 ग्राम लिया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं ओवरऑल 3 kg मूसली बनाऊंगा, तो उसके हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट रखे हैं। आप अगर 1 किलो या 1.5 किलो बनाना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करें और इसको रोस्ट होने में अराउंड 5 मिनट्स लगते हैं। और यहाँ पे रोस्ट होने की पहचान ये है कि ये हल्का हल्का साउंड करने लग जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि पॉपकॉर्न साउंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रोस्ट हो चुका है और देख सकते हैं, और स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे हम रोस्ट करेंगे ओट्स, और यहाँ पे मैंने रोल्ड ओट्स लिया है जिसको हम ओल्ड फैशन ओट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों आप म्यूजली रेसिपी बना रहे हो तो इसके लिए आपको रोल्ड ओट्स ही लेना है, और यहाँ पे मैं 1 kg रोल्ड ओट्स ले रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मेरी कढ़ाई जो है छोटी है, इसीलिए मैं पहले आधा किलो रोस्ट करूँगा ओट्स को, फिर उसके बाद जो बाकी का होगा उसके बाद करूँगा। तो दोस्तों अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप एक साथ जो ओट्स है उसको रोस्ट कर सकते हो या फिर भून सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 kg ओट्स पे यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के आसपास जैगरी पाउडर लिया है जिसको मैं धीरे धीरे इसको इसके अंदर मिला रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा जैगरी है वो मेल्ट होता जाएगा और वो ओट्स के अंदर रोस्ट होने के साथ साथ सेट होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रहना चाहिए, और यहाँ पे आप हमेशा ओट्स को चलाते रहें ताकि हमारा जो ओट्स है वो जैगरी के साथ मेल्ट होके इवनली सेट हो सके और साथ ही साथ जले भी ना। तो दोस्तों अगर आप इसको बार बार नहीं चलाएंगे तो ये जल भी सकता है और आपका जो जो ओट्स है वो ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आपको हमेशा इसको चलाते रहना है जब तक आपका जो जैगरी जो है वो मेल्ट होके सेट ना हो जाए। तो दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे जो जैगरी है, जो हमने जैगरी पाउडर मिलाया है, वो धीरे धीरे मेल्ट होके सेट होता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप ठीक से, यहाँ पे हमारा जो ओट्स है वो रोस्ट हो चुका है यानी कि भून चुका है, और मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों बाकी का जो बचा ओट्स है उसको मैं दोबारा से सेम प्रोसेस करूँगा, जैगरी पाउडर के साथ रोस्ट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ओट्स है वो रोस्ट हो चुका है और मैं इसको अलग से रख देता हूँ। तो दोस्तों ठंडा होने के बाद ये क्रंची सा हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको स्टोर करने के लिए अपना जो सप्लीमेंट का बकेट है वो यूज़ किया है, और इसी के साथ हम सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे जैसे कि हमारा फ्लैक्स सीड हो गया, और इसी के साथ डालेंगे हम कॉर्नफ्लैक्स जो कि है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम्स हम कॉर्नफ्लैक्स डालेंगे, और इसी के साथ हम 200 ग्राम रोस्टेड पीनट्स, उसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे मस्क मेलन सीड्स 100 ग्राम के आसपास, और यहाँ पे हम 300 ग्राम के आसपास रेजिन्स डालेंगे यानी कि किशमिश। तो दोस्तों आप यहाँ पे 300 येलो किशमिश की जगह आप यहाँ पे 100 ग्राम येलो किशमिश, 100 ग्राम ग्रीन किशमिश और 100 ग्राम ब्लैक किशमिश डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अगला जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है आलमंड्स, और यहाँ पे 300 ग्राम के आसपास मैं आलमंड्स ले रहा हूँ, और इसको मैं देख सकते हैं यहाँ पे काट रहा हूँ यानी कि छोटा सा चॉप कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो आलमंड्स है यानी कि बादाम वो चॉप हो चुका है, यहाँ पे पीसेस में मैंने काट लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट को ठीक से मिक्स करेंगे हम। और दोस्तों यहाँ पे जो आलमंड्स था, अगर आपको क्रंची चाहिए तो आप आलमंड्स भी रोस्ट कर सकते हैं, और पीनट्स ऑलरेडी मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो म्यूजली है वो कंप्लीट हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसको आप बिना कुक किए
आप दूध के साथ, दही के साथ अपने ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और बताने जाऊंगा कि इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड नहीं करी हैं जो कि आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वॉलनट्स जो कि 100 ग्राम आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसी के साथ इसमें कैश्यूज कर सकते हैं यानी कि काजू 100 ग्राम के आसपास, और इसमें आप ड्राई डेट्स यानी कि छुहारे भी ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर एनी नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नए नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।